नमस्कार दोस्तों, आज ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में सोमवार को क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में लास्ट फ्राइडे को कैसे क्लोजिंग हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चेक करोगे तो एक्सजीएस निफ्टी फ्रेंड्स -127 पॉइंट पे क्लोज हुआ है, डाउ जोंस -500 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि सोमवार को भी हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन होने की पूरी पूरी संभावना है फ्रेंड्स। और अगर फ्राइडे का आप मार्केट देखोगे, निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल बनाया है फ्रेंड्स मंडे के कैंडल में। अगर ये फ्राइडे के हाई के ऊपर क्लोज होता है, यानी उसका हाई कितना है निफ्टी का मंडे के चार्ट में 17187 के ऊपर क्लोज होता है, तो उसका पॉसिबिलिटी है 17500 तक जाने की। वैसे ही अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में आप देखोगे वनडे के चार्ट में, तो यहाँ पे उसने भी एक बुलिश टाइप का पैटर्न बनाया है जिसका हाई है फ्रेंड्स 38800 के ऊपर उसने हाई मारा है लास्ट फ्राइडे को। अगर ये उसके ऊपर क्लोज होता है सोमवार को, तो उसका भी पॉसिबिलिटी है 39400 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ये हुआ वनडे के चार्ट में। तो आइए देखते हैं इंट्राडे में फ्रेंड्स बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या कर सकती है। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये लगाया है मैंने 15 मिनट का चार्ट और उसके ऊपर हम ये देख लेते हैं कि सोमवार को इंट्राडे में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 17094 पे, उसका क्लोजिंग हुआ है। उसके हिसाब से मैंने नो ट्रेडिंग जोन बनाया हुआ है फ्रेंड्स। जैसे कि हमने देखा कि एसजीएस निफ्टी और डाउ जोंस माइनस में है, तो हमारा मार्केट भी माइनस गैप डाउन ओपन होने की पूरी पूरी संभावना है। तो कितना कहाँ ओपन हो सकता है फ्रेंड्स, इस जोन में ओपन होने की पूरी पूरी संभावना है। हमारा इसका लेवल रहेगा 17057 से लेकर 16950 के करीब ये ओपन हो सकता है। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद कुछ टाइम सस्टेन करता है फ्रेंड्स, कुछ रेंज बनाता है, उस रेंज बनाने के बाद अगर 16900 को क्रॉस करता है डाउन की साइड में, तो उसका लेवल आने की शक्यता है 16850-16800 के करीब आ सकता है फ्रेंड्स निफ्टी। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेंज बनती है उसके ऊपर और निकलता है 20-25-30 मिनट के बाद, तो जो गैप बड़ा होगा उस गैप को फिल करने के लिए वो ऊपर जा सकता है निफ्टी। और अगर बाई चांस फ्रेंड्स फ्लैट ओपन होता है, यानी फ्लैट का लेवल कौन सा रहेगा हमारा 17187 से लेके 17060 के बीच में ओपन होता है, यानी इस जोन में ओपन होता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर ये डाउन को ये वाला लेवल जो है 17050 ब्रेक करता है, तब भी नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, जिसका लेवल रहेगा 16900 और दूसरा लेवल रहेगा 16800 के करीब। और अगर फ्रेंड्स बाई चांस ये ऊपर जा ब्रेक करता है 17187, यानी 210 का वेट करना पड़ेगा, 17210 ब्रेक करता है तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है 17250-17300 के करीब। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा निफ्टी का। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। चलो देखते हैं इंट्राडे में क्या कर सकती है बैंक निफ्टी सोमवार को। फ्रेंड्स, जैसे कि निफ्टी माइनस में ओपन होने की पॉसिबिलिटी है, वैसे ही हमारा बैंक निफ्टी माइनस ओपन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। उसका क्लोजिंग हुआ है 38631 पे उसका क्लोजिंग हुआ है, तो मुझे लगता है उसका ओपनिंग हो सकता है ई जोन में। ये जोन कौन सा रहेगा फ्रेंड्स 38532 से लेकर 38400 के करीब। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन होता है और कुछ दिन सस्टेन करता है 15-20 मिनट और एक ऐसी रेंज बनाता है और उस रेंज को डाउन की साइड में ब्रेक करता है, यानी 38350 या 380 ब्रेक करता है, तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 38200, दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स 38050 के करीब वो बैंक भी जा सकता है डाउन की साइड में, अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो। और अगर फ्रेंड्स मानो जैसे कि हमने नो ट्रेडिंग जोन हम दो करते हैं हर बार, तो इसमें भी नो ट्रेडिंग जोन रहेगा फ्रेंड्स हमारा ये वाला। अगर बाई चांस इसी जोन में ओपन होता है निफ्टी बैंक निफ्टी 38800 से लेके 38500 और उसके बाद ये इस लेवल को ब्रेक करता है 38500 को, तो अभी उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स 38380, दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 38200 और तीसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 38500। अगर बाई चांस यहाँ पे ओपन होने के बाद अपसाइड में 38800 ब्रेक करता है, तो उसका टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है
39,000 और 39,050 ये आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।